हेलो स्टूडेंट्स, साइंस में हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। उसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया था, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमने देखा था कि ऐसे टाइनी ऑर्गेनिजम्स कि जिनको हम नेकेड ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर हमने देखा था फ्रेंड्स एंड फो, सो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वी कैन से दैट हार्मफुल टू अस। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे थे, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर यूबिक्यूटस, मतलब हर जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है। फिर या तो वो सिंगल सेल्यूलर और अकेले पाए जाते हैं, ठीक है, या तो फिर वो कैसे होते हैं, कॉलोनीज में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि वो अनवांटेड वेदर कंडीशन में वो अपना प्रोटेक्टिव लेयर प्रिपेयर करते हैं, दैट इज नोन एज सिस्ट, और उससे वो अपने आप को क्या करते हैं, अनवांटेड वेदर कंडीशन में प्रोटेक्टेड रखते हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल टू अस एंड सम आर हार्मफुल टू अस, जो हमें पता ही है, ठीक है। फिर हमने अलग अलग मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे थे, कि जिसमें हमने बैक्टीरिया देखा था, ठीक है, और बैक्टीरिया का हमने थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक देखा था। यूजफुलनेस और हार्मफुलनेस में हमने देखा था कि बैक्टीरिया जो है वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्पफुल होते हैं, प्लस कर्ट बनाने में और उन सब जगह पे हेल्पफुल होते हैं। और हार्मफुलनेस में हमने देखा था कि वो डिजीज़ क्रिएट करते हैं, लाइक टीबी है, ठीक है, डिप्थेरिया है, कफ है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हमने बैक्टीरिया के बारे में देखा था। फिर बैक्टीरिया के बाद हमने शायद तक एल्गे देखा था। तो एल्गे जो होता है वो जनरली किस पे, हम कह सकते हैं कि जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर होता है और जहाँ पे सनलाइट आता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमेशा एल्गे डेवलप होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जिस पे हम पॉट जैसी चीज़ जो होती है जिसमें हम पानी देते हैं पंछियों को, तो उसमें जनरली एल्गे डेवलप होता है, ठीक है। कोई पाइप वगैरह में लीकेज हो तो उसमें भी जनरली एल्गे जो है वो डेवलप होता है, ये हमने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और हमने देखा था कि एल्गी भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद क्या कर सकता है, अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है, और ग्रेजुअली वो क्या होता जाता है, ग्रो होता जाता है। सम ऑफ द एल्गीज आर कंज्यूम्ड एज अ फूड एंड अदरवाइज एल्गीज आर वी कैन से दैट मेजर पॉल्यूटेंट्स फॉर अस, वो हमारे सराउंडिंग वाटर वगैरह को क्या करेंगे, कंटेमिनेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने एल्गी के बाद हमने देखा था फंजाई या फंगाई। तो फंगाई में हमने देखा था कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, ठीक है, और ब्रेड का हमने एग्जांपल लिया था, मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये स्ट्रक्चर डेवलप होता है, ठीक है। यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर होता है। यूजफुल में अगर हमने देखा था कि जैसे कि हमारी बेक्ड आइटम्स है, केक है, ब्रेड है, इडली डोसा है, ये कर्ड है, ये सब चीज़ें बनाने में हमारे लिए वो यूजफुल, कर्ड में तो वैसे बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई नहीं होता, पर बैक्ड आइटम्स बनाने में फंजाई जो है वो हमारे लिए क्या होता है, यूजफुल होता है, ठीक है। हार्मफुलनेस में हमने देखा था कि वो स्किन डिजीज लाइक रिंग वॉर्म और वो सब डिजीज हमारे बॉडी के ऊपर क्या करता है, वो क्रिएट करता है, फंगल इन्फेक्शन हम जिनको कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कि जो हमारे लिए हार्मफुल है, डिजीज क्रिएट करते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, तो ये सारे कंटेमिनेटेड वाटर में पाए जाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के डिजीज वो क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये हमने देखा था। फिर उसके बाद प्रोटोजोआ के बाद लास्ट में हमने देखा था वायरसेस, ठीक है। तो वायरसेस आर एट द एज ऑफ वी कैन से दैट लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, क्योंकि वायरसेस वैसे इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जब भी उनको कोई होस्ट सेल मिलता है, एनिमल सेल कोई भी, तो उनमें वो एंटर होके तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना रिप्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, ठीक है, और तब वो अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज या सिम्टम्स उस बॉडी के ऊपर दिखाते हैं, ठीक है। तो दिस आर द वायरसेस। वायरसेस भी वैसे तो हमारे लिए हार्मफुल ही है, ठीक है, सिर्फ वो वैक्सीन्स बनाने में यूजफुल होते हैं, क्योंकि उसमें वैक्सीन में डेड वायरसेस डाले जाते हैं, ठीक है, वो हम अभी इस आज के टॉपिक में कंक्लूड करेंगे ही, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। तो अदरवाइज वायरस जो है वो हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हमेशा अलग अलग तरीके के डिजीज ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव और लाइव और फाइंड, वो हमने एक छोटा सा टॉपिक देखा था, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था।
कि वो हर जगह होते हैं, डेजर्ट में भी होंगे, फॉरेस्ट में भी होंगे, एक्वेटिक रीजन में भी होंगे, ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी होंगे, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होंगे, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम होते हैं। सो नाउ लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सेंस की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, तो हम देखें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, देन दे आर यूजफुल इन मेकिंग ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, देन दे आर यूजफुल इन मेकिंग मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, increase soil fertility, and microorganisms are useful in cleaning environment। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि microorganisms हमारे लिए useful है। ये हर एक, मैंने सिर्फ यहाँ पे अगेन कीवर्ड्स लिखे हैं, मैं हर एक पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि मेकिंग ऑफ कर्ड, कर्ड बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे लिए यूजफुल है, तो पहले तो हम कर्ड बनाने का एक सिंपल प्रोसेस जान ले। ठीक है, आप लोगों को वैसे तो मालूम ही होगा कि कर्ड बनाने के लिए मम्मा क्या करते हैं कि वो पहले तो मिल्क बॉयल करते हैं, बॉइल करने के बाद उसको क्या कर देते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे लाते हैं, रख देते हैं साइड में थोड़ी देर के लिए। जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं मम्मा, एक स्पून भर के कर्ड उसमें डाल देते हैं। ठीक है, और उसको छोड़ देते हैं। छोड़ देने के बाद अगर हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग देखें या अर्ली मॉर्निंग अगर हमने डाला है तो इवनिंग तक अगर हम देखेंगे तो वो एकदम अच्छा खासा हमारा कर्ड दही उसमें बन गया होगा या जम गया होगा पूरा। ठीक है, तो मतलब कि ये प्रोसेस नॉर्मली होता है। तो एक्चुअल प्रोसेस इसमें होता क्या है, जो ये हम पूरा करते हैं उसमें अंदर होता क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले तो ल्यूक वार्म मिल्क लिया जाता है। ल्यूक वार्म मिल्क इन द सेंस क्या कि ज़्यादा गर्म नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं। ठीक है, हम फ्रिज में से निकाला हुआ वैसा कोई मिल्क हम यूज़ नहीं कर सकते, और एकदम गर्म यानी कि बॉइल्ड मिल्क भी कर्ड बनाने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए मम्मा क्या करते हैं उसको रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। ठीक है, इसी वजह से रूम टेम्परेचर पे आने वाले जो मिल्क होता है, वो जो टेम्परेचर होता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर का मिल्क को हम क्या कहते हैं, ल्यूक वार्म मिल्क कहते हैं। ठीक है, अब ये ल्यूक वार्म मिल्क में जब हम क्या करते हैं, एक स्पून भर के कर्ड डालते हैं, तो इस कर्ड के अंदर जो बना हुआ कर्ड है उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। अब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है, ठीक है, वो मिल्क के अंदर जो लैक्टोज शुगर होता है उसको कंज्यूम करते जाते हैं, और उसको कंज्यूम करके वो क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं। तो ग्रेजुअली इस तरीके से क्या होगा कि मिल्क जो है उसका कन्वर्जन किस में होता जाएगा, लैक्टिक एसिड में होता जाएगा, एंड दैट लैक्टिक एसिड इज नथिंग बट द कर्ड। इसके साथ साथ में मिल्क के अंदर एक प्रोटीन भी होता है विच इज नोन एज केजिन। ये केजिन प्रोटीन का ये लैक्टिक एसिड के प्रिपरेशन की वजह से क्या होता जाता है, कोएगुलेशन हो जाता है। कोएगुलेशन होना मतलब जमना। ठीक है, तो धीरे 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 इस तरीके से ये लैक्टोज जो शुगर है उसका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर होता जाएगा, किसकी वजह से, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ग्रेजुअली ये लैक्टिक एसिड बनाते जाएंगे, और उसमें केजिन प्रोटीन का इस तरीके से कोएगुलेशन होता जाएगा,
और ग्रेजुअली हमारा मिल्क जो है वो किस में, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होने में टाइम लगता है, इसी वजह से हम रात को जनरली कर्ड डाल के रख देते हैं उस ल्यूकवार्म मिल्क को, तो सुबह तक क्या हो जाता है, दही हमारा जम जाता है। समर में जनरली थोड़ा जल्दी जम जाता है, विंटर में टेम्परेचर लो होने की वजह से क्या होता है उसमें टाइम लगता है, ठीक है। और ये लैक्टिक एसिड है, इसी वजह से अगर हम ज्यादा समय तक कर्ड को बाहर रखते हैं तो वो धीरे 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 क्या होता जाता है, खट्टा होता जाता है। कई बार हमने ऑब्जर्व किया होगा कि हम होटल्स में या कई जगह पे अगर बटर मिल्क ऑर्डर करते हैं तो वो बटर मिल्क हमें कैसा मिलता है, खट्टा मिलता है। तो इसका मतलब कि वहाँ पे उसके अंदर लैक्टिक एसिड के प्रपोर्शन क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि वो फ्रेश कर्ड से बनाया गया बटर मिल्क नहीं है, समझ में। जो फ्रेश कर्ड होगा ना वो इतना ज़्यादा खट्टा नहीं होगा, बहुत ही कम खट्टापन उसके अंदर होगा, लेकिन जैसे 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 उसका टाइम बीतता जाएगा, कर्ड बनने के बाद भी अगर हम उसको रखते जाएंगे तो ग्रेजुअली उसमें ये लैक्टिक एसिड का प्रपोर्शन बढ़ता जाता है। और एसिड्स हमेशा टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। जैसे कि लेमन है तो लेमन खट्टा है, तो उसके अंदर साइट्रिक एसिड है, ठीक है। तो खट्टी चीज़ें, एसिड जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, खट्टा होता है। तो इसी वजह से कर्ड के अंदर भी लैक्टिक एसिड जो है वो ग्रेजुअली फॉर्म होता जाता है, और इस वजह से वो कर्ड जो है वो कैसा बनता जाता है, खट्टा बनता जाता है। और बिगड़ जाएगा तो वो फिर क्या करेगा, पंचन स्मेल रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये कर्ड बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे पहले मिल्क के अंदर थोड़ा सा कर्ड डाला, और वो कर्ड था उसमें क्या थे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हम क्या कर पाए, कर्ड प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल है, दैट्स माय फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कि कहाँ कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे काम में आते हैं, ठीक है। तो ये हुआ मेकिंग ऑफ कर्ड। फिर हम लेते हैं मेकिंग ऑफ ब्रेड, ठीक है। ब्रेड बनाने में ये क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से यूजफुल है, तो ब्रेड और केक इन दोनों में ऐसा है कि जब ब्रेड और केक बनाने के लिए हम जो डो प्रिपेयर करते हैं, डो इन द सेंस आटा, ठीक है। तो जो भी मैं जो भी फ्लोर का या मतलब व्हीट फ्लोर का या किसी भी चीज़ का जिसका भी ब्रेड बनाना है या केक बनाना है, तो उसका पहले क्या किया जाता है, घोल आटा प्रिपेयर किया जाता है। अब इस आटे के अंदर क्या किया जाएगा कि यीस्ट डाला जाता है, ठीक है। ड्राई यीस्ट मार्केट में अवेलेबल है, हमने पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि ड्राई यीस्ट का पाउडर अवेलेबल होता है, उसको अगेन ऐसे ल्यूकवार्म वाटर के अंदर क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और उसको क्या किया जाएगा, इस डो के अंदर, ब्रेड या केक के डो के अंदर क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम ये ऐड करेंगे उसके अंदर एक थोड़ा सा उभार आएगा, ठीक है, मतलब वो ग्रो होगा, ग्रो इन द सेंस राइज होगा, ठीक है। और फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा इनके डो के अंदर। अब ये यीस्ट डालने की वजह क्या है इसके अंदर, तो यीस्ट डालने से यीस्ट क्या करेगा, इन जो ब्रेड और केक के आटे के अंदर जो शुगर है, जनरली ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, या सुक्रोज जो है, उसको वो क्या करता जाएगा, कंज्यूम करता जाएगा। उसको कंज्यूम करके वो क्या करेगा, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा अपने रेस्पिरेशन में, ठीक है। और वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली धीरे 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 ये बढ़ता जाएगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बढ़ेगा ना, तो डो का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, डो कैसा हो जाएगा, फुल जाएगा, ठीक है। इसी वजह से जब हम बैक करते हैं ब्रेड को या केक को, तो बैक करने के बाद जब हम उसको बाहर निकालते हैं ना, तो ऊपरी सरफेस जो होता है ना वो ऐसे फुला हुआ होता है, ठीक है, दैट इज ड्यू टू दिस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही हम बैकिंग प्रोसेस करते हैं तो ये जो यीस्ट ने अपने रेस्पिरेशन के थ्रू और प्लस उसने ये शुगर को कंज्यूम करके जो फर्मेंटेशन इसके अंदर किया है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, रिलीज होगा बैकिंग के वक्त, ठीक है, आटे में से बाहर निकलेगा। और वो आटे में से बाहर निकलेगा इसी वजह से पूरे आटे में छोटे 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 छेद बनाता जाएगा, ठीक है, और इसकी वजह से ही हमारा ब्रेड या केक का जो बन है वो सॉफ्ट और फ्लफी बनता है, समझ में। क्योंकि पहले जब हमने उसमें डो के अंदर यीस्ट ऐड किया है तो उसको फिर रखा जाएगा फर्मेंटेशन के लिए। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, तो जो जो ये फंजाय है वो फंजाय शुगर कंज्यूम करेगा और उस शुगर का एल्कोहल और ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन करेगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक है, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। इडली ढोकला वगैरह में जो हम करते हैं दैट इज द फर्मेंटेशन ऑनली, आथो लावो जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, तो वो दैट आथो लावो इज द फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये यीस्ट जो है
वो शुगर कंज्यूम करके उसका कन्वर्जन अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में करता है, दैट इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो ये दो जो है उनको क्या किया जाएगा, ये स्टैंड करके थोड़ी देर रखा जाएगा ताकि उसमें फर्मेंटेशन हो। फर्मेंटेशन होगा, ये पता कैसे चलेगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद उसको किस में डाला जाता है, बैकिंग के लिए ओवन में या जो भी है उसमें डाला जाता है। और बैक होने पे वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है उसमें से रिलीज हो जाता है, ठीक है। हीट मिलेगा उसको बैकिंग के वक्त, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, उस डो में से रिलीज होगा और वो गैस रिलीज होगा और सामने पैरेलली डो जो है वो क्या होता जाएगा, पकता जाएगा। इस वजह से उसमें छोटे 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 छेद बन जाते हैं, हमने ब्रेड में देखे ही है, ठीक है। ब्रेड में लेयर नहीं होता, ठीक है, आपने देखा होगा कि छोटे 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 छेद होते ही है। केक के बन में भी वही चीज़ होती है, ठीक है। जो हम पाव कंज्यूम करते हैं उसमें भी वही चीज़ होती है, ठीक है। तो ये जो छेद होते हैं, ठीक है, इनफैक्ट हमारे इडली ढोकला में भी यही चीज़ होती है, ठीक है। तो ये जो छेद होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ने बनाए हैं और इनकी वजह से हमारा जो बन है, ब्रेड है या इडली है या ढोकला है जो भी है वो क्या बनता है, एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे यीस्ट जो फंजाई है वो फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका यूज करके हमने ये ब्रेड केक बनाया है। तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, हमारा अगेन यूज होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सेम प्रोसेस जो होता है वो इडली ढोकला उन सब में होता है, लेकिन उन सब में आपने देखा होगा कि ये हमें मार्केट में से कोई ड्राई यीस्ट या ऐसी कोई चीज़ें लाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ हम आटा बना के रख देंगे तो ही ग्रेजुअली उसके अंदर क्या होता जाएगा, फर्मेंटेशन होता ही जाएगा, ठीक है। और ये फर्मेंटेशन की वजह से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आप देखना चाहो तो ये चीज़ नोटिस भी कर सकते हो कि जब घोल जो है उसको भिगोया जाए, ठीक है, या मतलब आटा या पेस्ट जो है वो बनाया जाए, ठीक है, तब आप लेयर देख लेना बॉल के अंदर कितना है, ठीक है। और फर्मेंटेशन होने के बाद जब आप उसको उसका लीड हटाओगे तो आप देखोगे तो ऊपर जो होंगे वो छोटे छोटे या तो बबल्स आ गए होंगे, ठीक है, या फिर थोड़ा सा डो जो होगा वो क्या हो गया होगा, हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वो ऊपर जो होगा वो हेमिस्फेरिकल थोड़ा सरफेस जो होगा वो रेज हो चुका होगा, ठीक है। तो दैट इज ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन इन साइड द डो, ठीक है। आप जरा सा उसको स्पून से या किसी से हिलाओगे ना तो जैसे हमारे सूप के बुलबुले नहीं फूटते वैसे वो थोड़ा सा ऐसा फूट करके ऐसे फूटेगा, ठीक है। दैट इज द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे फूड को क्या करेगा, अच्छे से सॉफ्ट फ्लफी बनाएगा, ठीक है, और हम उसको एंजॉय कर पाएंगे। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये यूजेज आया, ठीक है। सो वी कैन से दैट्स व्हाई दे आर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दीज आर द यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू अस। हाँ, देन मेकिंग ऑफ एल्कोहल वाइन एंड एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एल्कोहल वाइन ये सारी चीजें जो है वो कोई अलग अलग हम कह सकते हैं कि सीरियल्स के साथ में बनाई जाती है, उनमें से बनाया जाता है, या फ्रूट्स में से या फ्रूट्स के जूस में से ये बनाया जाता है। तो इसमें भी क्या किया जाता है कि यीस्ट डाला जाता है, ठीक है। जैसे कि सपोज मान लो ग्रेप्स है तो ग्रेप्स का जूस लिया जाएगा, ग्रेप्स के जूस के अंदर यीस्ट डाल दिया जाएगा। यीस्ट डालने के बाद उसको काफी लंबे समय तक सड़ने दिया जाएगा, ठीक है। उसका डिकम्पोजिशन होगा और ये डिकम्पोजिशन के साथ साथ में यीस्ट जो होगा वो उसका क्या करेगा, फर्मेंटेशन करेगा। और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या कन्वर्जन होता है, एक अल्कोहल और एक कार्बन डाइऑक्साइड। और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। इसी वजह से आपने कहीं पे भी सुना होगा कि अल्कोहल जितना पुराना ना उतना ज्यादा महंगा होता है, ठीक है। इसकी वजह यही है कि जितना पुराना अल्कोहल होगा उसमें उतना फर्मेंटेशन ज्यादा होगा, और फर्मेंटेशन ज्यादा होने की वजह से अल्कोहल का प्रपोर्शन भी उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, वो स्ट्रांग अल्कोहल होगा, समझ में आया। तो अल्कोहल वाइन ये सब चीज़ें इसी में से बनाया जाता है, और एसिटिक एसिड भी इसी तरीके से इनमें बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेज से हुआ, ठीक है। तो दैट इज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देन मेकिंग मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जनरली जो हमारे फंगाई और बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज होते हैं ना, तो उन डिजीज को क्योर करने के लिए ये एंटीबायोटिक्स हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एलोपैथी जो है हमारा वो पूरा एंटीबायोटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये एंटीबायोटिक्स जो है वो किस में से बनाए जाते हैं, तो ये फंजाई में से बनाए जाते हैं या बैक्टीरिया में से बनाए जाते हैं,
ठीक है, जो सबसे पहला एंटीबायोटिक जो कि एक्सीडेंटली बन गया था, दैट इज पेनिसिलियम, ठीक है, तो वो पेनिसिलिन फंजाई में से बनाया गया था, ठीक है। फिर अलग अलग काफ़ी सारे इसके एंटीबायोटिक्स अलग अलग हमारे मार्केट में अवेलेबल है, जो कि अलग अलग तरीके के डिजीज को क्योर करने में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक्स जो है, ठीक है, वो माइक्रोब्स में से, या फंजाई है या बैक्टीरिया है, उनमें से बनाए जाते हैं, ठीक है, और वो बैक्टीरिया या फंजाई से होने वाले डिजीज को क्या करते हैं, क्योर करते हैं। तो यहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए क्या हुए, यूजफुल हुए। अब एंटीबायोटिक्स जो है उनका एक ड्रॉबैक ये है कि ये वायरस से जनरेटेड डिजीज को क्योर करते नहीं है, ठीक है। इसी वजह से अभी तक हमारे पास कुछ वायरस वाले डिजीज की मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हमें मालूम ही है। तो उनके लिए क्या बनाए जाते हैं, वायरस से जो डिजीज स्प्रेड होते हैं वो ना हो, उसके लिए क्या बनाए जाते हैं, वैक्सीन बनाए जाते हैं। ये वैक्सीन क्या होते हैं, तो आपको मालूम होगा कि अगर आपके कोई भी छोटे यंगर ब्रदर या सिस्टर है, तो उनके लिए पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन इन द सेंस क्या, कि जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक पूरा वैक्सीन का चार्ट बना के देते हैं, और ये वैक्सीन आपको कंज्यूम करने होते हैं। आप लोगों ने भी वैक्सीन लिए ही होंगे, पोलियो का वैक्सीन है, ठीक है, मिजल्स रूबेला का वैक्सीन है, और वैसे काफ़ी टेटनेस है, वह काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के वैक्सीन जो है वो आपने कंज्यूम किए होंगे, ठीक है। और वैक्सीन देने, ओरली जो वैक्सीन दिए जाते हैं, उसके बाद छोटा सा वो पार्ले जी का आपको पैकेट भी देते हैं, ठीक है, थीके? तो ये सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व की होंगी। तो ये वैक्सीन जो होते हैं उसमें क्या होता है कि जो वायरस वाले डिजीज होते हैं या वायरस से स्प्रेड होने वाले डिजीज होते हैं, इन सभी डिजीज के जो वायरसेस होते हैं उनके डीएक्टिवेटेड फॉर्म्स जो होते हैं वो वैक्सीन में डाले जाते हैं, ठीक है। मतलब डीएक्टिवेटेड वायरस या डेड वायरस जो होगा उसको क्या किया जाएगा, वैक्सीन में डाला जाएगा, और वो वैक्सीन हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, आइदर ओरली दिया जाएगा या इंजेक्शन के थ्रू दिया जाएगा, कैसे, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही कम प्रपोर्शन में वो डेड वायरस पहले से प्रेजेंट है। अब जैसे ही हमारा बॉडी बाहर से उस वायरस के कांटेक्ट में आएगा, तो क्या होगा कि तुरंत ही वो दोनों फाइट करेंगे, और वो बाहर वाले वायरस को हमारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देगा, जिसकी वजह से हमारा बॉडी कैसा रहेगा, उन पर्टिकुलर डिजीज से सेफ रहेगा, ठीक है। तो पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, इन सबके वैक्सीन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, और ये वैक्सीन जब हम ले लेते हैं, ठीक है, तो जब हमारा बॉडी जो है, ठीक है, वो जैसे पोलियो के वायरस के कांटेक्ट में आएगा, तो हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो पोलियो का वैक्सीन है वो उस वायरस को बॉडी में एंटर होने देगा नहीं। इस वजह से हमारा बॉडी जो है वो पोलियो से कैसा रहेगा, हम कह सकते हैं कि सिक्योर्ड रहेगा, उससे पोलियो लगेगा नहीं, ठीक है। आफ्टर सम एज, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये लाइफ लॉन्ग ही चले, पर ऐसा होता है कि आफ्टर सम एज हमारा इम्यूनिटी इतना बढ़ जाता है कि ये पर्टिकुलर वायरस के साथ खुद ही क्या कर सकता है, फाइट कर सकता है। लेकिन जब हम छोटे होते हैं तब हमारा इम्यूनिटी उतना अच्छा होता नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए ये वैक्सीन सारे दिए जाते हैं हमें, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, दैट इज द वैक्सीन वी कैन से, कि मैं रिपीट करूँ कि उसमें क्या होगा कि जो भी डिजीज का वैक्सीन बनाया जाएगा, तो उस डिजीज के जो डेड वायरसेस या डीएक्टिवेटेड वायरसेस जो है उसको उसके अंदर क्या किया जाएगा, डाला जाएगा, ठीक है, और वैसा वैक्सीन हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, आइदर ओरली और बाय इंजेक्शन। अब हमारा बॉडी जब उन पर्टिकुलर डिजीज के वायरस के कॉन्टेक्ट में आएगा एक्सटर्नली, हाँ, हमारा बॉडी जब ऐसे कोई पर्टिकुलर डिजीज के वायरसेस के कॉन्टेक्ट में आएगा, ठीक है, एक्सटर्नली बाहर से कोई कॉन्टेक्ट में आएगा, तो अंदर जो ऑलरेडी डेड वायरसेस है वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएंगे और वो उसको बॉडी में एंटर होने नहीं देंगे, जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो है वो हम कह सकते हैं कि सिक्योर रहेगा या सेफ रहेगा इन सब अलग अलग वायरसेस की वजह से, ठीक है। तो जो सर्टेन वायरसेस है उन सभी के वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। कुछ अब तो हम ऐसे भी डिजीज हम देख रहे हैं कि जिनके वैक्सीन की हम प्रे कर रहे हैं कि वैक्सीन हमें मिल जाए, ठीक है। तो दैट इज द वी कैन से दैट वैक्सीन, ओके। तो इन सभी में, वैक्सीन बनाने में भी वायरस ही यूज हो रहे हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में भी बैक्टीरिया और फंजाई यूज हो रहे हैं, तो ये सारे हम कह सकते हैं कि क्या है, वायरस, अरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेज है। सो वी कैन से दैट हियर वी हैव यूज्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट्स व्हाई दे आर
फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हर बार मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको एक क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आर फ्रेंड्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। और या फिर आप ऐसा बोला जा सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आर फ्रेंड्स, ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो किस तरीके से वो हमारे फ्रेंड्स हैं, तो इन 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 तरीकों से वो हमारे फ्रेंड्स है। ठीक है, और इस ये सब जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से आपको पूरे नोट्स में दिया हुआ है जो कि आपको रीड करना है, लेकिन बाद में अभी मैं टॉपिक खत्म करूँ फिर। हाँ, तो नेक्स्ट इज इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, एग्रीकल्चर में इनका यूज होता है सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने में। तो ये हमने पॉइंट फर्स्ट चैप्टर में जैसे डिस्कस किया था कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में, ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं कि एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स करते हैं और सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन वो बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया हुए जो हमारा सॉइल का फर्टिलिटी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन बढ़ा रहा है मतलब सॉइल के अंदर न्यूट्रिशनस वैल्यूज जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और सॉइल के अंदर न्यूट्रिशंस है मतलब सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा है। सेम वे ब्लू ग्रीन एल्गे, ये एक अगेन एल्गे का टाइप है। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन एल्गे जो है वो भी यही काम करता है कि एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को क्या करता है, वो सॉइल के अंदर फिक्स करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। इसके साथ साथ में कुछ ऐसे बायोलॉजिकल बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है सॉइल के अंदर जो कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल भी हम देखेंगे तो उसमें आप हम देखेंगे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया वगैरह वगैरह, स्यूडोमोनस बैक्टीरिया का एक पूरा ग्रुप है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, बट अल्टीमेटली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, ठीक है, वो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे तो है, उसके अलावा भी काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, जो मैन्योर बनाते हैं हम, तो मैन्योर में क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो ये डिकम्पोजिशन कौन करेगा, बैक्टीरिया करेगा हमारे लिए। ठीक है, और वैसा मैन्योर हम जब सॉइल में ऐड करेंगे तो सॉइल के अंदर ये माइक्रोब्स जो है वो उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अगेन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे रहे, यूजफुल रहे, और उनकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ी, तो अगेन फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट दैट इज द क्लीनिंग एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट क्लीन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल है, कैसे, तो इसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, आपको याद हो तो मैंने बोला था कि आपने रोड पे या कहीं सराउंडिंग में अगर किसी भी एनिमल का डेड बॉडी देखा है तो ग्रेजुअली वो डेड बॉडी जो है वो क्या होता जाता है, डिकम्पोज होता जाता है, और धीरे धीरे धीरे, डिकम्पोजिशन होना मतलब क्या, सड़ना, और धीरे 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 क्या होगा कि वो पूरा बॉडी डिकम्पोज हो जाएगा, सिर्फ हड्डियाँ बचेगी। तो जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या आ सकता है, तो ये कोई भी एनिमल का डेड बॉडी है, पेपर है, ठीक है, फिर हमारे जो वेजिटेबल वगैरह, किचन वेस्ट जो हमारा जनरेट होता है, वेजिटेबल्स और वो सब, ठीक है, उनके पील्स है या वैसी सारी चीज़ें जो हम यूज़ नहीं करते, तो ये सारे वेस्ट जो होंगे, फिर हाँ हमारा सीवेज वेस्ट जो है, ठीक है, हमारा एक्सक्रिएशन जो हम बॉडी में से रिमूव करते हैं वो सारा वेस्ट जो है, तो ये सारे ऑर्गेनिक वेस्ट है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक वेस्ट को ये बैक्टीरिया वगैरह क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, जो भी डेड बॉडी पड़ा है या ये जो भी चीज़ें हैं उनको बैक्टीरिया क्या करेंगे, ग्रेजुअली उसको डिकम्पोज करते जाएंगे, और ये डिकम्पोजिशन यानी कि उनका ये जो सड़ना है, ठीक है, वो हमारे लिए हेल्पफुल है क्योंकि वो ग्रेजुअली सड़ते जाएंगे, डिकम्पोजिशन उनका होता जाएगा। ठीक है, और वो इनकी वजह से हमारा एनवायरमेंट जो होगा वो क्या रहेगा, क्लीन रहेगा, मेंटेन रहेगा, समझ में। तो ये वैसी ही चीज़ें क्या कर सकते, क्लीन कर सकते, इनऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि प्लास्टिक जो है उनका डिकम्पोजिशन हो सकता नहीं है, इसीलिए प्लास्टिक बैन, ये सारी जो अलग अलग तरीके की कैंपेन चल रहे हैं वो इसी वजह से चल रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक को अगर आपने एक बार कहीं पे भी थ्रो कर दिया तो आपने देखा होगा कि लंबे समय तक वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। हाँ, अगर हवा की वजह से वो उड़ जाए वो बात अलग है, अगर ऐसा नहीं है तो वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, वो कभी भी डिकम्पोज होगा नहीं, यानी कि वो सड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से प्लास्टिक जो है वो इनऑर्गेनिक मटीरियल है। ठीक है,
ठीक है, लेकिन ये जो प्लांट वेस्ट है, हमारा जो किचन वेस्ट होता है, ठीक है, और सभी अलग अलग वेजिटेबल्स के पी वगैरह, ठीक है, और हमारा एक्सक्रिएशन यानी कि सीवेज वेस्ट जो है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक वेस्ट में आएगी और उनका डिकम्पोजिशन क्या करेंगे हमारे बैक्टीरिया करके देंगे, ठीक है, इस वजह से हमारा उनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, वो सड़ जाएंगे, ठीक है, और ख़त्म हो जाएंगे, तो इनकी वजह से हमारा एनवायरमेंट जो है वो क्या रहेगा, क्लीन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये अलग अलग सारे पॉइंट्स हैं कि जिनकी वजह से हमारा, हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे लिए अलग अलग तरीके से क्या है, यूजफुल है, ठीक है। तो दिस वॉज फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और कहाँ कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस किस तरीके से हमें हमारे लिए यूजफुल है, ये है, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स आप लोग एक बार लिख लीजिए, ठीक है, और अब लिख लोगे फिर बाद में ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आगे हम अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वो सारी चीज़ें देखेंगे, और नोट्स में आप लोगों को पेज नंबर 4 पे ये सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई है, ठीक है। मेकिंग ऑफ कर्ड है, मेकिंग ऑफ ब्रेड है, कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि ये अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, वो सब है। फिर मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन है, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी जो हमने डिस्कस किया, और क्लीनिंग द एनवायरमेंट, पेज नंबर 5 वहाँ तक, ठीक है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक आपको पढ़ना है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी मैंने नहीं कंक्लूड किया है, इसलिए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड करेंगे, लेकिन अगर आप एडवांस में पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को होमवर्क में पढ़ना है, और अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, तो उसमें ये आप कीवर्ड सारे लिख लो, ठीक है। हाँ, और दूसरी चीज़ कि आपका जो अब साइंस का वीकली टेस्ट आ रहा है नेक्स्ट जो है, उसमें चैप्टर 1 हमने इंक्लूड किया है, तो उसके लिए भी आपको नोट्स जो है उसके सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। हर लेक्चर में पॉसिबल होता है वहाँ तक, या चैप्टर के लास्ट में पॉसिबल होता है वहाँ तक, मैं पूरा चैप्टर आपको रिवाइज इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आप पूरा चैप्टर जो है वो दिमाग में बिठा के रख लो कि यार इसके टॉपिक का ये सिक्वेंस है और हर एक टॉपिक में ये चीज़ें आती हैं। तो आपने चैप्टर समझा हुआ है तो आप आंसर्स, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। और आंसर्स हमेशा पॉइंट वाइज प्रेजेंट करना है, जैसे मैं ये पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ, ठीक है, वैसे, ठीक है, पूरा पैराग्राफ पैराग्राफ में आंसर्स लिखने नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है, और पूरे नोट्स अच्छे से टेस्ट के लिए या एग्जाम के लिए रिवाइज करना, एकदम अच्छे से डीपली सारी चीज़ें पढ़ना, और हर एक टॉपिक में क्या क्या कंटेंट है वो आप याद रखना, तो फिर आप क्वेश्चंस जो होंगे वो अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। बाकी आप टेक्स्ट बुक भी चाहो तो रिवाइज कर सकते हो, उसमें से भी रिविजन कर सकते हो, टॉपिक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। टेक केयर, सी यू सून।